हाय, आई एम साक्षी। वेलकम टू आवर चैनल, जहां हम लाते हैं एंटरटेनमेंट से जुड़ी कुछ खास अपडेट। वैसे तो कोरोना के कारण फिल्म इंडस्ट्री को काफ़ी नुकसान पहुंचा है। कई फिल्मों की शूटिंग बीच में ही अटक गई तो कईयों की रिलीज डेट को आगे बढ़ा दिया गया, मगर इन सब के बावजूद फिल्म मेकर्स एक सकारात्मक नज़रिया रखते हुए अगले प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहे हैं। खबर आई है कि रणवीर सिंह एक बार फिर पर्दे पर नेगेटिव किरदार निभाते दिखेंगे। आपको यह भी बता दें कि आजकल कई पौराणिक ग्रंथों के ऊपर फिल्में बनाने की चलन चला है। प्रभास आदिपुरुष, दीपिका पादुकोण की द्रौपदी के अलावा सीता नाम की एक फिल्म भी खासी चर्चा में है। इस फिल्म के लेखक बाहुबली लेखक और एसएस राजमौली के पिता केवी विजेंद्र प्रसाद हैं। खबरों की माने तो रणवीर सिंह को रावण के रोल के लिए अप्रोच किया गया है, मगर फिलहाल अभिनेता ने इस रोल के लिए हाँ नहीं कहा है। वैसे रणवीर उन अभिनेताओं में से एक हैं जो खुद के साथ एक्सपेरिमेंट करने और रिस्क लेने से नहीं डरते, लिहाजा पूरी उम्मीद है कि अगर रणवीर को रोल पसंद आया तो वो इसे हाथ से जाने नहीं देंगे। इससे पहले पद्मावत में रणवीर अलाउद्दीन खिलजी का नेगेटिव किरदार निभा चुके हैं और वो लोगों को इतना पसंद आया कि इस फिल्म में सबसे ज़्यादा खिलजी बने रणवीर के ही चर्चे हुए थे। वहीं सीता के रोल के लिए दो नाम फाइनल बताए जा रहे हैं, वो नाम करीना कपूर और आलिया भट्ट हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक आलिया और करीना में से कोई एक सीता के रोल में नजर आ सकती है। फिलहाल स्क्रिप्ट का नरेशन चल रहा है और उम्मीद है कि इतना बड़ा प्रोजेक्ट कोई भी स्टार अपने हाथ से जाने नहीं देना चाहता। थैंक यू सो मच की वॉचिंग फॉर मोर एंटरटेनमेंट न्यूज़ एंड अपडेट।